पक्षी हमारे वातावरण का अभिन्न अंग है तथा हमारे लिए अति आवश्यक है। वर्ष 2017 से प्रारंभ प्रोजेक्ट प्रयास में मैं और छात्र मिलकर प्रतिदिन इन पक्षियों के लिए दाना, पानी और आश्रय प्रदान करते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में भी ये पक्षी आसानी से संरक्षित किए जा सकते हैं। प्रोजेक्ट प्रयास का उद्देश्य छात्रों में सकारात्मक बदलाव लाना, उनके ज्ञान और कौशल में सुधार करके उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है। मैना जोड़ों में पाई जाती है। इनका इंक्यूबेशन पीरियड 17 से 18 दिन का होता है और फ्लैजिंग पीरियड 22 से 24 दिन का। मैना द्वारा घोंसलों के निर्माण में टहनियाँ, जड़ें, टिश्यू पेपर आदि इस्तेमाल किए जाते हैं। यह प्रजातियां विलुप्त नहीं हो रही हैं, लेकिन पक्षियों के संरक्षण के लिए छात्रों के साथ काम करने से मुझे अपने छात्रों को समझने की अधिक संभावनाएं मिलती हैं। जब मैं अपने छात्रों के साथ इन पक्षियों के लिए बीज और पानी डालता हूं, तो मुझे और अधिक खुशी और प्रेरणा मिलती है। अस्तित्व के लिए संघर्ष कभी कभी विफल हो सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। मैंने अपने प्रयासों को जारी रखे हुए हैं। अच्छा है चोंच में कुछ सूखी पत्तियां हैं पेड़ों की। मन में बस यही डर बना रहता है कि किसी दिन चोंच में प्लास्टिक का कोई टुकड़ा ना देखने को मिल जाए, लेकिन शायद ये हमारी तरह विकसित नहीं कहलाना चाहती हैं। हम तो बस अपनी धमनियों में प्लास्टिक ही बहा रहे हैं। विकसित कहलाने का यही विशेष लक्षण है हमारा। मातृत्व झलकाती है तस्वीर, एक नए भविष्य को भी प्रदर्शित कर रही है। इनके संरक्षण से ही ये अलौकिक दृश्य देखने का अवसर प्राप्त हुआ।
नई दुनिया में पहली स्वतंत्र उड़ान के साथ ही खुद का अस्तित्व स्थापित करने के लिए संघर्ष भी, यही जीवन की वास्तविकता है। वर्तमान वातावरण को अपनाना भी है और वातावरण से खुद को बचाना भी है। अभी पंख कच्चे हैं और अनुभव भी कम है, लेकिन ये स्वयं पर भरोसा ही है जिसने पहली उड़ान का साहस दिया।